अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं महक और आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव बिरयानी नए अंदाज के साथ, जिसके लिए मैं चाहिए एक बड़ा प्याज, टमाटर एक बड़ा, लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1.5 खाने के चम्मच या बड़ा एक ही ले लें आप, और दही चाहिए होगी हमें 4 चम्मच बड़े, और हमें चाहिए होगा 2 बादियान, तेज़पात, 2 टुकड़े दालचीनी के, 5 दाने काली मिर्ची के, 1 बड़ी इलायची, छोटा आधी चम्मच जीरा, बिरयानी मसाला 1 छोटा चम्मच, अजीना मोतो 1/2 चम्मच छोटा, और नमक ले लेंगे हम 2.5 चम्मच, बिल्कुल 2.5 चम्मच ही हो इतने इनफ होगा। आप हंस में जायका भी कर सकते हैं, ये जर्दा कलर है, 2 पिंच मोटी रख लें, 2 हरी मिर्ची हमें चाहिए होगी, 1 छोटा टमाटर काट लें बारीक, ये हमें चाहिए पुदीने की पत्तियाँ साबत, और 1 प्याज हमने ब्राउन कर लिया था, काट कर घी में ब्राउन कर लिया था, और हमें चाहिए होगा जी चावल 1/2 किलो, ये मैंने पानी में भिगो कर रख दिया है, 5 मिनट हुए तकरीबन, और हमें चाहिए होंगे चने चाहिए होंगे हमें 1 पाव, ये है चने मैंने फ्रीज करके रखे हुए थे, 1 पाव के करीब चने हैं हमारे, और हम ले लेंगे ऑयल 1 प्याली के करीब, थोड़ी सी कम भी रख लें तो बेहतर होगा। ये हमारी कढ़ाई है, इसे हम ऑयल डालेंगे और चूल्हे को ऑन करेंगे, ये देखिए ऑयल हमने डाल दिया सारा इसके अंदर, हल्का सा हम गर्म होने देंगे और इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। दोस्तों हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ये देखिए हम इसके अंदर जो प्याज कटा हुआ था हमारा वो ऐड करेंगे इसके अंदर, हल्का सा चम्मच चलाएंगे, इसे हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ऐसे कच्चापन खत्म करना है जैसे इसका। चम्मच चलाएंगे इसके अंदर, लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने बनाया था वो ऐड करेंगे इसके अंदर, चम्मच चलाएंगे हल्का सा, हल्का सा से ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन सा, आंच हम नॉर्मल ही रखेंगे। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये देखिए भून चुका है हमारा लहसुन अदरक, टमाटर है हमारा, ये डाल देंगे, चम्मच लाएं आहिस्ता से, फ्लेम हम नॉर्मल ही रखेंगे इसकी, अब जो हमारे मसाला जात थे वो इसके अंदर सब डाल देंगे एक साथ ही हम, और हल्का सा चमचा हिलाएंगे इसके अंदर हम, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे हम, इसे ढककर रख देंगे कुछ देर के लिए हम। तो जी देखिए ये
ये जो हमारे चने थे वो ऐड कर देंगे इसके अंदर हम। चम्मच चलाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बहुत मज़े की ये बिरयानी बनती है, बहुत सिंपल सिंपल और इजी वे है। ये देखिए ढककर रख देंगे कुछ देर के लिए हम। चम्मच हिलाएंगे अच्छी तरीके से और जो हमारी दही थी ना दोस्तों वो भी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब देखिए टमाटर भी हमारा गल चुका है इसके अंदर। ये देखिए दही, 3 से 4 चम्मच थी हमारी दही। दोस्तों देखिए हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और दोस्तों ये चने थे मैंने फ्रिज में फ्रीज किए हुए थे, तो आप चाहे फौरन उबाल कर भी डाल सकते हैं जैसे आपको सही लगे। मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने सोचा ये पुलाव वगैरह बना लूँ मैं, तो उसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया। ढक्कन दे देंगे कुछ देर के लिए और पकाएंगे। देखिए इसे अच्छे से मसाला अच्छे से हम भून रहे हैं। थोड़ी और भुनाई कर लेंगे। अच्छे से भुनाई हो रही है हमारी। और दोस्तों ये देखिए हम पानी डाल रहे हैं कटोरा भरकर इसके अंदर। आधा किलो हमारा चावल था उसके अंदर हम ये कटोरा भरकर पानी डालेंगे और थोड़ा सा बस ऊपर डाल देंगे आधा कप के करीब। और इसे हम बॉईल करेंगे अच्छे से। ये देखिए बस इतना सा पानी और डालना है हमने। इसे बॉइलेंगे हम अच्छे से। ये देखिए कर रख देंगे जैसे तब तक इसे उबाला आ जाए। ये देखिए उबाले आने शुरू हो गए हैं इसे। दोस्तों हमारे सिर्फ आधा किलो चावल थे, एक पाव चने थे हमारे, तो जो चावल का जो आधा कटोरा बन रहा था तो वो मैंने फुल पानी भरकर उसका डाल दिया हमने इसके अंदर। थोड़ा सा बस मैंने ऊपर डाला आधा कप के करीब। ये देखिए उबाला आ रहे हैं इसे। हम डाल देंगे चावल इसके अंदर, हमने धोकर भिगोकर रखे हुए थे चावल। जो चम्मच चलाएंगे इसके अंदर हम और इसे पकने देंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो दोस्तों ख्याल रखिएगा नमक आप अपने हिसाब से जायका रख सकते हैं अपने हिसाब के मुताबिक। अगर कम लगे तो आप इसके अंदर और भी डाल सकते हैं नमक। इसे हम पकाएंगे चावल को अच्छी तरीके से जब तक इसका पानी खुश्क हो जाता है। और दोस्तों चावल देखिए, ये देखिए चावल कितने प्यारे बन रहे हैं चावल हमारे। नमक चेक कर लेंगे हम, बिल्कुल परफेक्ट है जी नमक हमारा। ये देखिए हमारा पानी खुश्क हो रहा है। दम पर लगाएंगे अभी हम इसे। ये देखिए फूड कलर ऑरेंज कलर हमारा जर्दा जिसे कहते हैं वो डालेंगे। भुना हुआ प्याज हमारा फ्राइड किया हुआ। ये हमारे पुदीने की पत्तियां साबित, 2 हरी मिर्ची कटी हुई हमारी और ये टमाटर ऐड कर देंगे इसके अंदर हम। आप चाहें थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं पर मुझे इतना ही अच्छा लगा, मैंने इतना ही किया, ज्यादा ओवर भी अच्छा नहीं लगता। तो जी हम इसे दम दे देंगे अभी, बस 5 मिनट के लिए दम इनफ होगा हमारा। ये देखिए हमारे चावल तैयार हो गए हैं। चम्मच चलाएंगे और दोस्तों ये देखिए हमारे चावल बहुत मज़े के बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अच्छे लगे फ्रेंड्स को भी शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है इसकी। ये डिश हमारी तैयार हो गई है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।